मैं एक भी वीडियो नहीं डालने वाला हूँ जब तक मेरा एक ऑफर या एक जॉब स्विच नहीं कर लूँ। एक इट्स इनफ। बट नाउ आई एम पोस्टिंग वीडियो। वेल एवरीथिंग वॉज प्लान। क्या हुआ, आज से 2 महीने पहले की बात है। सो इन फेब्रवरी 2020 आई डिसाइडेड दैट आई विल बिकम डिजिटल नोमड। अब जिन लोगों को नहीं पता डिजिटल नोमड क्या कहलाता है, तो ये वो लोग होते हैं जो डिफरेंट लोकेशन, मल्टीपल रिमोट लोकेशन या डिफरेंट कंट्रीज में जाके वॉक करते हैं और कमाते हैं। मतलब बेसिकली वो लोग जो घूमते हैं और काम करते हैं। और ये जो डिजिटल नोमड टाइप के लोग होते हैं वो अक्सर हॉस्टल में मिलते हैं, और मैंने डिसाइड किया दिल्ली का एक हॉस्टल जहाँ से मैं अपनी जो डिजिटल नोमड की जर्नी होगी वो स्टार्ट करने वाला था। मीनिंग दैट मैं वहाँ से अपने ऑफिस का काम करता और वहीं पर रुकता, स्टे करता। और ये तब की बात है जब था फरवरी, जब सेकेंड वेव हिट नहीं किया था इंडिया को, तो हम दिल्ली चल रहे हैं। मैं दिल्ली पहुंच गया था और मैं जिस हॉस्टल में जाने वाला था, यह मेरा पहला हॉस्टल एक्सपीरियंस होने वाला था। इस हॉस्टल का नाम था गोस्ट ऑफ दिल्ली। ऐसा नहीं है कि यही एक ऑप्शन मेरे पास था, और भी हॉस्टल्स हैं जो बैकपैकर हॉस्टल चेन करके फेमस हैं, जैसे हॉस्टल हॉस्टलर मस्टेज, बट आई चूज गो स्टॉप बिकॉज ये एक ऑफर रन कर रहे थे जिसमें ये था कि अगर आप यू आर स्टेइंग इन गो स्टॉप हॉस्टल फॉर लॉन्गर टाइम, मतलब 7 या 14 या फिर 24 या 30 दिन के लिए अगर तुम रुकते हो तो यू विल गेट डिस्काउंट, और बहुत अच्छे डिस्काउंट पे तुम रुक सकते थे। बेसिकली डॉर्म में अगर तुम रुकते हो तो तुम जितना पीजी में रुपए देते हो उतना। सो आई एम प्लानिंग कि अगर मैं बैंगलोर आऊँगा तो मैं हॉस्टल बेंगलोर में रुकूंगा, एंड आई कैन आस्क यू टू ऑल्सो कम एंड विल हैव फन। वेल यू डोंट अंडरस्टैंड राइट नाउ व्हाट आई एम सेइंग बिकॉज हॉस्टल इज सच अ लवली प्लेस। आई एम गोइंग इन फ्यूचर एंड टेलिंग यू व्हाट हैपेंड। वेल लेट मी शो यू व्हाट हैपेंड। तो जैसे ही तुम एंटर होगे गोस्ट ऑफ हॉस्टल में, वहाँ पर तुमको 3 डॉग दिखेंगे, जिंजर, पेपर और कुछ और था, और इतने आलसी कुत्ते मैंने पहली बार देखे। ये जो तुम सामने देख रहे हो ये कहलाता है गोस्ट ऑफ का कॉमन एरिया। यहाँ पे बैठ के हमने वर्क फ्रॉम होम किया 14 दिन तक। बेसिकली डॉर्म में भी कर सकते थे, मतलब अपने रूम में, बट यहाँ पर करने में मजा ही कुछ और था। आई नेवर थॉट कि हॉस्टल इतना कूल और इतनी मस्त जगह है। आज के बाद मैं कभी होटल्स नहीं जाऊंगा अगर कहीं नई सिटी पर जाऊंगा। वेल यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट हैपेंड एंड व्हाई। वेल हम जब गए उसके पहले ही दिन वहाँ पर मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त बन गए। वो लोग खुद इनिशिएट करते थे कन्वर्सेशन, और जैसे हम लोग दिन भर काम कर लेते थे उसमें शाम के टाइम वहाँ पर एक महफिल लगती थी जैसे हम लोगों की कॉलेज डेज में लगती थी, जो मेरी लाइफ में मिसिंग थी बेंगलोर में, बिकॉज मेरा एक ग्रुप नहीं था वहाँ पर। बट जो भी लोग आते थे सब एक ग्रुप बन जाते थे और बैठ के एकदम चिल करते थे शाम को। दिल्ली का सैर सपाटा करके हम जा रहे थे वापस हॉस्टल। गोस्ट ऑफ दिल्ली हॉस्टल इंडिया गेट नंबर 3 मेट्रो स्टेशन के सामने ही है, तो काफी इजी रहता है ट्रेवल करना। और जैसे ही हम हॉस्टल पहुंचते हैं हम देखते हैं ये। तो जिनको भी सुनना होता है वो लोग अपने रूम से निकल के आते हैं, यहाँ बैठते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं, जो भी करना हो बेसिकली। बट अभी यहाँ से चलते हैं हम, मुझे तुम्हें कुछ फैक्ट्स बताना है हॉस्टल से रिलेटेड ही। ये जो हॉस्टल्स होते हैं इनमें अगर तुम स्टे करते हो तो काफ़ी चीप पड़ता है, मतलब 300 से 500 के बीच में तुम एक दिन का स्टे कर सकते हो। सो
If you are someone who love traveling and budget is the only constraint, you can try these hostels. These hostels are cheap and present in almost all famous travel destinations. I have planned that I am going to travel complete India by visiting all these hostels and explore different cities. I started with Delhi. Especially, we are going Sector 29 in Gurgaon, which is very famous for partying. I'm getting freaky, yeah, I'ma bring the crazy. Get that freaky, freaky on, get that freaky, freaky. I'm getting freaky, get it right, get it right. Get that freaky, freaky on, 지금 그거 다 같이. I'm getting freaky. दिल्ली पे घोड़े की सवारी ये हमारा घोड़ा है, ये मैं हूँ और ये हमारी पाली चल रही है। Get that freaky, freaky on, get that freaky, freaky on.